समझ में नहीं आ रहा है Realme और Xiaomi ने कौन सी चक्की का आटा खाया है। रोज कुछ ना कुछ लॉन्च कर देते हैं और इस बार यार जो चीजें लॉन्च हुई है ना इन दोनों कंपनी की तरफ से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अभी Realme का X3 लॉन्च हुआ है जो दुनिया में पहला ऐसा फोन है जहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और 4 का तड़का मिलता है, मतलब यहां पर भी आपको 4 आंखें मिलती है। और अब बारी है Xiaomi की और Xiaomi ने लॉन्च कर दिया Redmi का Note 8 Pro और ये फोन भी बहुत ही जल्दी इंडिया में आने वाला है और यहां पर भी आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और साथ में 4 आंखें मिलती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भैया इन दोनों फोन में कौन सा फोन ज्यादा अच्छा है, कौन सा फोन थोड़ा सा पीछे रह गया है, कौन से फोन की तरफ हमें जाना चाहिए और इन दोनों ही फोन में क्या कुछ आपको मिलता है। यदि आपके दिमाग में सारे के सारे ये डाउट है ना तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और मैं आपको बताऊंगा कि भैया आपके लिए कौन सा फोन सबसे ज्यादा बेस्ट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन के सबसे लल्लन टॉप फीचर के बारे में, वो है कैमरा। आपको इन दोनों ही फोन में 4 आंखें मिलती हैं और आजकल तो ऐसा लग रहा है 4 का तड़का ही हो चुका है। यहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिलता है और ये है सैमसंग का सेंसर। जो दूसरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, वो है अल्ट्रा वाइड वाला जो आपको यार Realme के 5 Pro में मिल जाता है, Realme के X3 में मिल जाता है। और साथ में जो तीसरा है वो आपको मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का, ये है डेप्थ के लिए, मतलब आपको पोर्ट्रेट शॉट्स में ये काम दे जाएगा। भैया 2 से आगे बढ़ो तो हम माने। और जो आखिरी वाला है वो है 2 मेगापिक्सल का, वो है माइक्रो शॉट्स के लिए। और मुझे लग रहा था यार Redmi के Note 8 Pro में टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा, बट आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है। और इन दोनों फोन का जो कैमरा है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, अच्छी खासी आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। आपको यहां पर स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है, टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है, उसके साथ साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, नाइट स्केप मोड आपको मिल जाता है, EIS मिल जाता है। हम ये तो कह सकते हैं इन दोनों फोन में आपको सेम सेंसर मिल जाता है, हर एक चीज बिल्कुल सेम मिलती है कैमरे के डिपार्टमेंट में, बट यार जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से जो आपकी फोटो है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाती है, आपको अच्छी खासी डिटेल देखने को मिलती है। जब ये फोन हाथ में आएगा, जब हम इन फोनों से फोटो क्लिक करेंगे, तब समझ में आएगा कि इस फोन में फोटो ज्यादा अच्छी है। बट यार आपको इतना जरूर कह सकता हूं इन दोनों फोन में जो आपको कैमरा मिलता है वो बिल्कुल नंबर 1 का मिलता है। यदि आपको अच्छी खासी सेल्फी चाहिए तो आपको Redmi के Note 8 Pro में जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको मिल जाता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और यदि आप लेते हैं Realme का X3 तो यहां पर आपको मिल जाता है केवल 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यार Realme वालों 16 मेगापिक्सल से आगे बढ़ो यार, तो मजा आ जाए। आपको चाहिए अच्छा रियर कैमरा तो आप इन दोनों फोन में किसी भी फोन की तरफ जा सकते हैं, आपको अच्छा चाहिए सेल्फी कैमरा तो आपको जाना चाहिए Redmi के Note 8 Pro में। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। यदि आप लेते हैं Realme का X3 तो यहां पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है और साथ में आपको वूक चार्जर साथ में मिल जाता है और आपका फोन फटाफट चार्ज हो जाएगा। और यार आज की डेट में फास्ट चार्जर बहुत ज्यादा मस्ट हो चुका है। और आपको Redmi के Note 8 Pro में मिल जाती है 4500 mAh की बैटरी और साथ में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, फास्ट चार्जर मिल जाता है। यदि आपको चाहिए बड़ी बैटरी वाला फोन तो यार आपके लिए तो Redmi का Note 8 Pro काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर आपको बड़ी सी बैटरी भी मिल जाती है और साथ में आपको फास्ट चार्जर में मिलता है। यदि आपको पूरे दिन यूज करना है और दिन भर अपने फोन से चिपके रहना है तो भाई आप इन फोनों की तरफ जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। इन दोनों ही फोन में आपको अलग-अलग सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। यदि आप जाते हैं Realme के X3 में तो यहां पर आपको मिल जाता है ColorOS 6 और मुझे लग रहा है यार अब धीरे से यहां पर जो Realme का खुद वाला OS है ना वो आना चाहिए और ये है Android Pie में बेस्ड। यहां पर आप बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं। और आप जाते हैं Redmi के Note 8 Pro में तो यहां पर आपको MIUI 10 मिल जाता है और ये भी बेस्ड है Android Pie में। अब यार मुझे लग रहा है यहां पर आपको MIUI 11 मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा और आगे आने वाले टाइम में MIUI 11 भी आपको इस फोन में मिल सकता है। अब ये तो आपके ऊपर है, किसी को ColorOS पसंद है और किसी को MIUI पसंद है। वैसे अब आप मुझे बताइए आपको इन दोनों फोन में जो OS मिलता है कौन सा आपको सटीक बैठता है। इन दोनों फोन में आपको डुअल ऐप जैसी चीजें मिल जाती है, मतलब यदि आपके पास 2 Facebook है, 2 WhatsApp है, 2 Twitter अकाउंट है, सारी की सारी चीजें आप 2 बना सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की।
जो यार इस वक्त तगड़ी मिल गई आपको इन दोनों ही फोन में। यदि आप जाते हैं Realme के XT में तो यहां पर आपको मिल जाती है 6.4 इंच की फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है और साथ में आपको डिस्प्ले में चंदन टीका देखने को मिलता है, मतलब एक ऊपर की तरफ आपको नॉच देखने को मिल जाती है। एमोलेड पैनल आपको मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है और पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक नहीं मिलता है, इस बार आपको ग्लास मिल जाता है और पीछे की तरफ भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत ही कमाल का इस बार Realme का XT है। और यदि आप जाते हैं Redmi के Note 8 Pro में तो यहां पर आपको मिल जाती है 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है, यहां पर भी आपको चंदन टीका देखने को मिलता है, मतलब वही नॉच, और साथ में यहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। यहां पर आपको एमोलेड पैनल नहीं मिलता है और ना तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है और पीछे की तरफ यहां पर आपको ग्लास भी मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में आप इन दोनों फोन में किसी भी फोन की तरफ जा सकते हैं, बट जो डिस्प्ले है वो आपको Realme के XT में काफी कमाल की मिलती है। यहां पर आपको एमोलेड पैनल मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, मतलब यार ये कह सकते हैं कि डिस्प्ले के मामले में Realme का XT काफी किलर डिवाइस है। एक चीज आपको और बता दूं, Redmi के Note 8 Pro में आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, NFC मिल जाता है, जो आपको नहीं मिलता Realme के XT में, मतलब यार यहां पर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ इन दोनों फोन में आपको टाइप सी पोर्ट भी मिलता है और 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिलता है, आपको इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यार डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट आपको इन दोनों ही फोन में देखने को मिलता है। और अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, और इन दोनों फोन में आपको अलग अलग प्रोसेसर मिलता है, एक में आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है और एक में आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलता है, और दोनों ही बड़े तगड़े प्रोसेसर हैं। यदि आप जाते हैं Realme के XT में तो यहां पर आपको प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 712, यही मिलता है आपको Realme के 5 Pro में, Vivo के Z1 Pro में, और ये जो परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर है ये ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस दे देगा। और ये 10 nm का प्रोसेसर है, यहां पर जो GPU है वो है Adreno का 616, और यदि आप इसे कंपेयर करते हैं स्नैपड्रैगन के 710 से तो यहां पर जो क्लॉक स्पीड है ना वो है अप टू 2.3 GHz तक, मतलब ज्यादा कुछ अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। और यदि आप लेते हैं Redmi का Note 8 Pro तो यहां पर आपको मिल जाता है MediaTek का Helio G90T, ये 12 nm का प्रोसेसर है, बट यहां पर जो हाइपर इंजन है ना उसकी वजह से जो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी कमाल का हो जाएगा। नो डाउट यार यहां पर जो किलर विनर है वो है MediaTek का Helio G90T। और यार यदि आपको गेम के लिए फोन चाहिए तो आपको जाना चाहिए Redmi के Note 8 Pro में, यहां पर आपको लिक्विड कूलिंग का भी सिस्टम मिल जाता है जिसकी वजह से आपका फोन ज्यादा हीट नहीं होगा। मेरे हिसाब से प्रोसेसर में Redmi का Note 8 Pro बहुत ही अच्छा फोन है। अब मैं आपको ये बता दूं, इन दोनों फोन में आपको सारे के सारे सेंसर मिल जाते हैं, आपको यहां पर कोई भी कटौती देखने को नहीं मिलती है। अब मुद्दे की बात यह है कि यार इन दोनों फोन में कौन सा फोन ज्यादा तगड़ा है, मैं आपको एक चीज सच बता दूं, ये दोनों ही फोन बहुत ज्यादा तगड़े हैं। दोनों ही फोन में आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं, दोनों ही फोन में आपको बिल्ड क्वालिटी काफी कमाल की मिलती है। Realme के XT में आपको एमोलेड पैनल मिल जाता है और इन डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट है वो ज्यादा अच्छा मिल जाता है। और जो Redmi का Note 8 Pro है यहां पर आपको लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहां पर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो काफी धांसू मिलता है। अब सब कुछ प्राइस पे डिपेंड करता है, मेरे हिसाब से Redmi के Note 8 Pro का जो इंडिया में प्राइस आने वाला है वो आने वाला है 14-15 हजार के आसपास, और जो Realme का XT है ना वो भी इसी के आसपास आ सकता है। वैसे Realme का XT क्या पता थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, यदि 14-15 हजार के आसपास ये दोनों फोन इंडिया में आ गए ना तो भैया फिर से घमासान युद्ध होगा और फिर देखना ये दिलचस्प होगा कि बाजी कौन मारता है। अब आप मुझे बताइए आपके हिसाब से Realme का XT ज्यादा अच्छा है या Redmi का Note 8 Pro ज्यादा अच्छा है। और Xiaomi वाले ने Redmi का Note 8 भी लॉन्च कर दिया है, यहां पर भी आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं, 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का, और यहां पर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 665, यहां पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, और यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और ये फोन भी बड़ा जबरदस्त है। इसके साथ साथ
इस फोन का जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 10,000 रुपए का। मतलब यार 10,000 रुपए में आपको Redmi का Note 8 मिल जाएगा, 14-15 हजार रुपए में आपको Redmi का Note 8 Pro मिल जाएगा, Realme 5 Pro भी बिक रहा है, Realme 5 बिक रहा है, Realme का X भी बिक रहा है, Realme का XT भी बिकने वाला है, वो भी इसी प्राइस के आसपास है। आप ये कह सकते हैं कि 10,000 से लेकर 20,000 के बीच बहुत सारे फोन है। और Realme के XT में आपको यार डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और यदि आपको इस चैनल में कुछ अच्छा लगता हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।